आरोग्य जागृति। हेलो दोस्तों, आज हमारी एजे टीम के साथ हम आ पहुंचे हैं अश्विनी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो चेतक घोड़ा एरिया में स्थित है औरंगाबाद। आज हमारे साथ है अश्विनी जायसवाल, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। आइए हम उनसे जानते हैं कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली होती है क्या और किस तरह से हमारे लिए काम करती है। मैम, फिजियोथेरेपी ये वर्ड जो है बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके ग्रामीण भाग में जो है फिजियोथेरेपी का मतलब ही नहीं समझते लोग। तो एक्चुअली ये फिजियोथेरेपी क्या होती है और किस तरह से काम करती है? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों को फिजियोथेरेपी को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। जैसे लोगों को लगता है जो बहुत ज़्यादा लाइक अबव पॉवर्टी लेवल जो हम बोलते हैं, उन लोगों का काम है फिजियोथेरेपी करना। या बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो सिर्फ मसाज है, वहाँ पे सिर्फ मसाज होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी यानी इसको भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बिना दवाइयों के किसी बीमारी को ठीक करना है, या आप किसी दर्द से बहुत दिनों से जूझ रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको बिना दवाइयों के ठीक होना है, तो फिजियोथेरेपी ये चीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है फिजियोथेरेपी क्या है, तो उसका रीजन ये भी एक है कि बहुत से डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपने फिजियोथेरेपी लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे बीमारियों पे हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं, बहुत से कम लोगों को पता है। तो ये अवेयरनेस आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पता रहना चाहिए फिजियोथेरेपी क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं फिजियोथेरेपी मतलब, फिजियोथेरेपी एक भौतिक साधनों से जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, भौतिक साधने यानी जो इलेक्ट्रोथेरेपी है, जो हाइड्रोथेरेपी है, जो हीट थेरेपी है, जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोगों के पास होते हैं, उसी के साथ हम लोग जो व्यायाम, जो वर्जिश हम लोग बोलते हैं कि ताकि आपको भविष्य में जाके ये तकलीफ फिर से ना हो। जैसे आप बोलोगे कि आज हमने फिजियोथेरेपी कर ली तो आगे चल के क्या ये तकलीफ हमको फिर से होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो हम लोग एक्सरसाइजेस बताएंगे या जो भी ट्रीटमेंट प्लान हम आपको देंगे वो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इस हिसाब से पूरा फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम सेट रहता है। जैसे आपको लगा सुबह में आप उठे हो और आपके गर्दन में अकड़न है, तो ऐसे टाइम में आप अगर दवाइयां भी लेते हो, जो पेन किलर आप खाओगे, जो मसल रिलैक्सेंट आप खाओगे, वो आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए रिलीफ देगा। जो मसल की अकड़न है वो तो नहीं जाने वाली, वो आपकी जाएगी मैनुअल थेरेपी से, या जो भी आप फिजियोथेरेपी में जो भी आप टेक्निक्स लोगे उसके थ्रू वो जाएगी। मैम, ये बताइए कि कौन कौन से कंडीशन में फिजियोथेरेपी की जाती है और किस तरह से की जाती है? हर एक बीमारी पे मैं कहूंगी कि फिजियोथेरेपी की जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपको अगर किसी जोड़ों की बीमारी है, जैसे आपको कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, या फिर गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, इसमें भी आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप वेंटिलेटर पे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आईसीयू में एडमिट हो, या फिर किसी और रीजन के वजह से आपको बहुत ज्यादा बीमारी है और आप बेड रिडन हो, उसमें भी आप ले सकते हो। मैम, मान लीजिए पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, आर्थराइटिस की शिकायत है, तो क्या ये फिजियोथेरेपी लेने के बाद कितना फर्क गिरता है? मैं कहूंगी फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो पेशेंट के लाइफ में लाइक खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट्स या फिर ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स जो रहते हैं, वो काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, वो खुद के काम नहीं कर पाते हैं, जोड़ों में अकड़न होती है, हाथों पे सूजन होती है, वो ठीक से चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी उनके लिए एक बहुत बड़ा बून है। मैं कहूंगी कि उसके थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू आप बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करते हो। जैसे हम लोग के इसमें फिजियोथेरेपी में वैक्स थेरेपी एक बहुत अच्छी चीज है अर्थराइटिस के लिए, जिससे स्वेलिंग कम होता है, पेन कम होता है,
पेशेंट के जॉइंट मूवमेंट्स बढ़ते हैं, जो कि मेन प्रॉब्लम रहता है ऑस्टियोपोरोटिक और अर्थराइटिक के पेशेंट्स में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं या जो मैनुअल थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैम एडिमा में जो है कितना इफेक्टिव होता है? देखिए एडिमा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर किसी इंजरी के वजह से या ट्विस्ट के वजह से आपको स्वेलिंग आ रही है, एडिमा रह रहा है, तो उसमें डेफिनेटली फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, या फिर हम लोग मैनुअल थेरेपी जो डीप फ्रिक्शन मसाज रहता है या बहुत सारी चीज़ें होती है उससे आप रिलीफ कर सकते हो। अगर वो एडिमा किसी और चीज़ का रहेगा तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि फिजियोथेरेपी से पूरा चला जाएगा। तो इफ इट्स बिकॉज ऑफ एनी जॉइंट प्रॉब्लम तो डेफिनेटली उसमें हेल्पफुल रहेगा। मैम जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो ये कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है? डेफिनेटली फिजियोथेरेपी खुद एक चार फील्ड में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, मतलब मेडिकल फील्ड जो है वो चार ब्रांच में डिवाइड हुई है फिजियोथेरेपी का। फर्स्ट है ऑर्थो, जिसमें पूरे हड्डियों से रिलेटेड या मांसपेशियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मसल स्पाज़म है, टेंडेनाइटिस है, बर्साइटिस है, या बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो हड्डियों से और स्नायु से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, उस चीज़ में एक अलग से ब्रांच आता है, वो है ऑर्थो का ब्रांच। उसके बाद आता है एक न्यूरो फिजियोथेरेपी, उसमें पूरा आप जैसे किसी को देखते हैं कि पैरालिसिस हुआ है, पेशेंट पैरालिसिस से बेड रिडन हो चुका है, या उसके ब्रेन में कोई और प्रॉब्लम है, दिक्कत है जिसके वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा है, या फिर फेशियल पाल्सी हम लोग बोलते हैं, जैसे चेहरे का हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस हो गया है, आँख बंद नहीं कर पा रहे हो, पानी ही गिर रहा है आँख में से कंटिन्यूस, तो ऐसे चीज़ में फिजियोथेरेपी ये अलग एक और अलग ब्रांच हो गया। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यही न्यूरो में एक पेडियाट्रिक न्यूरो जो बच्चे का है वो हम लोग देखते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि माँ ऐसे देखती है कि बच्चा मेरा ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, मेरा थोड़ा सा पीछे है एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चों के, तो वो चीज़ में भी जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं या फिर डिलेड माइलस्टोन हम जो बोलते हैं, जो बच्चे प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उसमें भी हम लोग फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली अलग ब्रांच हो गया। उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो वो होता है कार्डियो पल्मोनरी या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी ब्रांच हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, COPD है, बहुत लंबे समय से उसको खांसी की प्रॉब्लम रह रही है, दम चढ़ता है, ये चीज़ों में भी फिजियोथेरेपी होता है। इसके अलावा जो हार्ट सर्जरी होती है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि पेशेंट ने फिजियोथेरेपी करना चाहिए, ताकि उसका जो पंपिंग है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो बढ़ेगी और जैसे पहले थी वैसे आएगी आफ्टर ऑपरेशन, तो वो एक कम्प्लीटली अलग ब्रांच होता है। उसके बाद रहता है CBR, कार्डियो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो हम लोग उसको बोलते हैं, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांच है। उसमें गायनेक प्रॉब्लम जो रहते हैं या फिर ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। आईज में कितना इफेक्टिव होता है मैडम, अगर आईज के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वीकनेस है, आईज वीकनेस है, आई साइट का प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी किस तरह से की जाती है और कितना इफेक्टिव होता है? फिजियोथेरेपी में आईज के जो मसल्स रहते हैं उसके एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि आई साइट वापस आ जाएगा फिजियोथेरेपी बस, नहीं, लेकिन कितना इफेक्टिव होता है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हो उसे? स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। जिसको चक्कर आने का प्रॉब्लम होता है, वर्टिगो जिसको हम बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं इसके अंदर, बट अगर पर्टिकुलर आईज को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता है। अस्थमा के पेशेंट्स और जो है फेशियल पैल्सी के जो पेशेंट्स है वो काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है मैडम? ओके, फिजियोथेरेपी जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उनको कुछ देर चलते ही उनकी सांस चढ़ने लगती है, तो हम लोगों का पूरा प्रोटोकॉल सेट होता है कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाया जाए, उनका स्पायरोमेट्री करवाया जाए, जिसके तहत उनका जो सांस लेने की जो ये है लिमिट है वो बढ़े और उनको दम ना चढ़े, ये एक चीज़ हो गया। और फेशियल पाल्सी आजकल हम लोग देख रहे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा हवा में वो लोग घूमते हैं बिना कुछ बांधे, तो डायरेक्ट एयर ब्लो होने के वजह से, फेस पे लगने के वजह से उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोथेरेपी में एक स्टिमुलेटर, नर्व स्टिमुलेटर बोल के एक मशीन होता है, वो थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा
उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्व को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, जैसे आंखों का एरिया है या जिनके भोहे नहीं उठती है उसमें उनका एरिया है, स्माइलिंग करने का पार्ट है, ये सारे पार्ट्स को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, नर्व को रीएक्टिव करते हैं मसल्स को स्टिमुलेट करके, तो वो मसल्स रीजनरेट होता है एंड फिर उसका जो प्री मूवमेंट था, जो पहले होने के पहले जो भी था वो वापस आता है। फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर में क्या डिफरेंस है मैडम? बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिजियोथेरेपिस्ट एक 4.5 साल का कोर्स करने के बाद हम लोगों को डिग्री मिलता है एंड ट्रेनर्स जो आप बोल रहे हो, मे बी जिम ट्रेनर हो या कोई और ट्रेनर हो, एथलेटिक ट्रेनर हो, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम लोग पूरा मेडिकल का स्टडी करते हैं, पूरा सेम इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, तो इसमें सेम हमको हर एक डिसीज के बारे में पता करना होता है, हर एक चीज़ के बारे में पता करना होता है, तो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है कि ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट दो अलग अलग चीज़ है और हम लोग डॉक्टर्स बोल के आइडेंटिफाई होते हैं रादर देन ट्रेनर्स। फिजियोथेरेपी जो है ओल्ड एज और यंग एज में किस तरह से की जाती है, अगर हमें लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना हो तो? बिल्कुल, यंग एज में और ओल्ड एज में कैसे की जाती है, दोनों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों की घसना शुरू होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उन लोगों का प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। और जो यंग रहते हैं उनका मेन प्रॉब्लम रहता है वो बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं या जो भी एक्टिविटी वो करते हैं वो सडन होती है, क्विक होती है, तो उसमें झटका लगना या ट्विस्ट होना या स्प्रेन आना या स्ट्रेन आना, ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। और अगर हम ओल्ड एज के तरफ देखें तो उनके प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिफरेंट रहेंगे, वो झटके के काम तो नहीं कर पाएंगे, उस वजह से उनका जो रहेगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोटिक या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस या रेडिकुलोपैथी, जो भी अलग प्रॉब्लम रहेंगे उनके कम्प्लीटली डिफरेंट रहेंगे। जो यंग रहते हैं उनका हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड के। जैसे अभी मेरे पास कोई प्लेयर आ गया तो मुझे उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, अपने जो कॉमन पीपल है उनके कंपैरिजन में, कॉमन लोगों के कंपैरिजन में मुझे उनका बहुत अलग से करना पड़ेगा क्योंकि उनको वापस से खेलना है, तो उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ओल्ड एज में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी चीज़ का साइड इफेक्ट ना हो। वैसे तो फिजियोथेरेपी में किसी चीज़ का साइड इफेक्ट होता नहीं है, बट बहुत से रहते हैं जो साइकोलॉजिकली सोचने लगते हैं कि बाबा अगर मैं ये करूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी या मुझे इसका कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ओल्ड एज में हमको ट्रीटमेंट देना होता है। जैसा कि आपने कहा कि स्पोर्ट्समैन जो है हमेशा जो है तो प्रॉब्लम में रहते हैं, जैसा कि मसल स्पाज़म है, स्ट्रेस है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी कैसे रिकमेंड करेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर स्पोर्ट्स प्लेयर का हम लोग देखा जाए तो मैं पिछले 7 साल से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट करती हूँ, तो अगर मैं बोलूँ स्पोर्ट्स प्लेयर्स का तो उन लोगों ने प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए खेलने के पहले, अगर नहीं भी खेल रहे हो तो दे शुड हैव हैबिट ऑफ प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपर कूल डाउन, और जब मैचेस नहीं रहते हैं तो मसल्स का कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स जब टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं तो घर में ही बैठे रहेंगे कि चलो छुट्टियाँ चल रही है इस हिसाब से, लेकिन वो पीरियड में कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जो उनके ड्रॉबैक्स रहते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरा पैर उतना आगे नहीं जा पाता है, मैं उतना लॉन्ग जंप नहीं कर पाता हूँ खेलने के दौरान, तो वो सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए। उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लेयर्स के लिए हम लोग डायनामिक स्ट्रेचेस जो रहते हैं वार्म अप के लिए, कूल डाउन के लिए, वो देते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है, उसके बाद फोम रोलर टेक्निक्स होते हैं, जो मसल्स अकड़ जाता है तो उसको रिलीज करने के लिए, तो वो खुद से कैसे रिलीज करेंगे, हर टाइम तो फिजियोथेरेपिस्ट साथ में नहीं जा सकता, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम उन्हीं को सिखा देते हैं कि इस तरीके से आपको खुद को फिट रखना है। अक्सर ऐसा देखा गया है मैम, लोग जो है पेन रिलीफ करने के लिए, एडिमा रिलीफ करने के लिए सेक लेते हैं, घर पे जो सेक ली जाती है, जैसा कि एक बैग में जो हॉट वाटर डाल के उसे सेक ली जाती है, और आप लोग किस तरह से सेक देते हैं पेशेंट को? घर पे जो आप होम रेमेडीज जिसको हम लोग बोलते हैं जो करते हो पेन कम करने के लिए, जो हॉट वाटर बैग जैसे आपने बोला
या फिर कुछ लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तवे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो घर पे यूज होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सुपरफिशियल होती है। वो आएगा आपको जस्ट स्किन जो है वो गर्म करेगा या हार्डली फैट लेवल तक जाएगा, उसके नीचे जाएगा नहीं, मसल्स तक तो दूर तक वो जाएगा नहीं। तो जो हम लोग करते हैं उसमें एक शॉर्ट वेव डायथर्मी बोल के होता है, हाइड्रोकोलैटरल पैक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको मॉइस्ट हीट भी हम लोग बोलते हैं। तो जो ये शॉर्ट वेव मशीन होता है इसके जो वेव्स रहते हैं वो डीप बॉडी में मसल्स जॉइंट तक जाते हैं और जो आपका पेनफुल एरिया है वहां का दर्द वो कम करते हैं वो वेव्स के थ्रू। तो उसमें और इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये डीप हीटिंग मोडालिटी है और जो आप घर पे करते हो वो पूरा सुपरफिशियल थेरेपी रहता है। देखा दोस्तों, अश्विनी जयसवाल जी ने फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोगों को बताया है। फिजियोथेरेपी का जो कंसेप्शन है वो क्या है, किस तरह से फिजियोथेरेपी की जाती है और हमारे लाइफ में फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है। अश्विनी जी ने जो हमें वक्त दिया है हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एज ए परिवार के तरफ से हम उनका बहुत एक बार फिर से शुक्रगुजार करते हैं। थैंक्स।